हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं सो के उठा ही था, इतनी देर में मेरे कान में एक आवाज आती है हल्की सी, आज सेल लगी है। अरे कहाँ, इन्होंने जगह का नाम बताया, मैंने कहा ठीक है, नहीं लगती तो क्या तुम्हें जाना नहीं था? जाना तो इनको हमेशा होता है, तो सेल लगी हो ना लगी हो। तो अब जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, हफ्ते में तीसरी बार है कि कान में आवाज आई है, जाना पड़ता है। चलो करना तो पड़ेगा जाते हैं, ही। जाते हैं शॉपिंग करने, गेट लगाओ फटाफट, फिर निकलते हैं। और चाबी गिर गई, चाबी उठा ले भैया गाड़ी की। देखते हैं मैडम आज फिर कितना खर्चा करवाएंगी। बाकी आप लोग भी कराते रहा करो अपनी वाइफ को शॉपिंग। भाई मुझे तो सच्ची बताऊं ना, मुझे बस करवानी पड़ती है, क्योंकि ना करवाओ तो हफ्ते तक मुंह फूला हुआ कौन देखे इनका, बस इसलिए। बाकी निकल दिए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और जा रहे हैं शॉपिंग करने। बुढ़िया रानी हमारी गई हुई है नानी के घर, मेरी नानी के घर, अपनी दादी के साथ। और आज हम इतनी बहुत समय बाद हम दोनों एक साथ दोनों एक साथ ऐसे, जा रहे मतलब हैं, बहुत दोनों टाइम एक साथ, बाद। मतलब अदरवाइज तो तीनों निकलते हैं। तो आज गुड़िया के बिना देखते हैं कैसी क्या शॉपिंग होती है, क्योंकि वो जाती है तो वो करने नहीं देती कभी कुछ गिराना। ये चल दिए हैं हम शॉपिंग करने। मौसम सुहाना, ये देखो यार बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। बादल वाह, दिख भी रहे हैं, झूठ बोल रही इसमें दिख रहे है। हैं ना, दिख रहे हैं, पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं मेरे पेड़ को। है, बादल है, इतने प्यारे लग रहे हैं। फोन आ गया। मैं जा ही रहे थे शॉपिंग के लिए, इतने में हमारी एक घनिष्ठ मित्र का फोन आ गया। और वो घनिष्ठ मित्र पता क्या कह रही है, कह रही है शॉपिंग से ज्यादा ना गोल्ड सस्ता हुआ पड़ा, गोल्ड दिलवा दो। और हमारी मैडम इतनी देर में चिंगर गई, बोली चैन दिलवा दो। अब इनको चैन दिलवाए तो हमें चैन कहाँ से आए। कहीं भी जाओ सबसे बड़ी दिक्कत तो सामने यही रहती है कि हम अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करें, बस यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पार्किंग की समस्या बहुत है, पार्किंग की समस्या यहाँ लगा सकते हैं। नहीं नहीं आएगी रोड पे, लेकर यहाँ देख लो, यहाँ इधर से तू पहले कर। ये कर रहे हैं हम गाड़ी पार्क, बड़ी दिक्कत रहती है यार, बहुत दिक्कत रहती है, जहाँ भी जाओ गाड़ी पार्क करो। और एक हमारे जेडी जी भी ऐसे हैं कि पूरी अच्छी जगह देख के तभी पार्क करते हैं, और लोगों की करानी कहीं और रास्ते में खड़ी कर दी गाड़ी। आजा आजा तू है प्यार मेरा। मैंने जानबूझ के गड्ढे में रोकी थी, पर तेरी किस्मत। आए आए देख लो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे, जान मुझे गड्ढे में रोकी इन्होंने, उस गड्ढे में कराई है बड़े। आदत हो रही है यार, क्या बात है वीरू, तेरी तो अच्छी आदत है, पैर झाड़ के अंदर जाना और झाड़ के चलो। लो भाई लग चुकी है, तूने हो गई वीरा की तो भाई शुरू मैं तो हो गई शुरू। चेक देख लिए भाई ने, अब ऊपर चल दी और झूला देखो ऊपर पकड़ रही है। लो भाई लो पर आ गई। मतलब जो जो दिखे वही बस उठा के ले लो। अरे अच्छी चीज दिख गई है भाई, मैंने गुड़िया की, मैंने निकाला ये, ठीक है क्रेडिट हालांकि भी पता है ये ले ले, बाकी मैं शीशे में दिख रहा हूँ। वेरी चालाक, हाँ वेरी चालाक, ये तो बड़े हैं। ये मैंने लिए मेरी गुड़िया के लिए, देखते हैं पहना के कैसी लगती है। डेनिम शॉर्ट्स लेनी है उसके लिए, देखो ये कह रही थी लास्ट टाइम मैंने ना ये लिया था, फिर मैंने छोड़ दिया था, मुझे ऐसे टॉप, ये टॉप बहुत पसंद है इसका, ये वाला। तो मतलब पसंद है तो कुछ भी ले लोगे क्या, मतलब ना तुमको कपड़ा क्या? अच्छा लग रहा है अच्छा तो मतलब लग जो भी ले लोगे है? अच्छा लग रहा है जींस के ऊपर, अच्छा अच्छा क्या लग रहा है यार भाई, आप पहनाओगे ना उसको नहीं अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लगे, तेरी तो पसंद ही मेरे को पसंद नहीं आती है भाई। मैं पसंद आ गई ना, अरे वो मेरी पसंद खराब थी।
एक आधी बार मेरी भी खराब हो जाती है। अब मुझे आपने पसंद किया तो मेरी पसंद को भी आपको पसंद करना पड़ेगा। करते हैं तो इसका मतलब यूं थोड़ा ही है, तुम आके मतलब सारा सामान उठा ले जाओ कुछ भी। कहाँ कुछ भी ले रही हूँ, आपसे बिना कुछ से कुछ नहीं लूंगी, टेंशन मत लो। सही है एक्चुअल में वो जो गाइस मैं आ गई हूँ ट्रायल रूम में आ गई हूँ और मैं देख रही हूँ सारी ड्रेसेस एंजॉय करके। ये अब हमारे जेडी जी चल चुके हैं, कह रहे हैं तूने शॉपिंग कर ली अब मैं करूंगा। ना ना क्या तू तो नीचे चल दी थी। अरे पता मेरे माइंड हो गया था अपने लिए और तुम्हारा फिर नीचे अपने लिए देखने हैं उसको कपड़े। आप क्या करोगे लेके, थोड़ा ना आपको शौक तो है नहीं आपको शॉपिंग का। तेरी तरह सब कुछ नहीं भरना मैंने, जो मेरे को अच्छा लगेगा वही लूंगा। देखो तो ऐसे बदनाम कर रहे हैं मेरे को, और जब किसी भी एक लोवर लिया है मैंने। ओ इंगेन दिखाई ये शक्ल, एक लोवर ही तो लिया है, शक्ल दिखाई है झूठी, एक लोवर ही तो लिया है झूठी। सब कुछ यही बता दो, स्कीम बता दो सबको बोल बोल के। देखेंगे इनको ये क्या लेने वाले हैं। देखो देखो जरा फोकस करो, मेरी पसंद का देख के आओ मिरर में। मेरे सेक्शन में आके भी मतलब जो चीज मैंने ली है ना उसमें एस साइज जिसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सेम सेम ना यार, सेम सेम कुछ सेम सेम नहीं होता, ठीक है। क्यों तेरे लिए तेरे सेक्शन में से दिलवा दिया था ना मैंने इतना सारा। एक 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 मुझे लूज लूज अच्छी लगती है, खुली खुली पहननी लूज अच्छी लगती है भाई, लूज अच्छी नहीं लग रही, लूज अपने आप ही रह जाती है। जाके देख ले एक बार इधर इधर कहीं हिस्सा होगा देख लो इधर वो वहां पे बाहर। आ रहा है कुछ पसंद, देख रहा हूँ देख लो और जल्दी चलो बस बहुत हो गया मुझे ऐसे कुछ भी। अच्छा मैंने लिया भी है कुछ। हाँ खाना बनाना है घर जाके। अपनी अपने ले रही थी तब नहीं तेरे को खाना। मैं अपने जेडी जी का वेट कर रही हूँ, वो चाय रूम में गए हुए और मैं यहाँ बैठ के देखो वेट कर रही हूँ। इतना टाइम तो मैंने भी नहीं लगा था जितना वो लगा रहे हैं। हमारा थैला देखो जुड़ियों का, बेचारे को सांस नहीं मिल रही है, पूरा ऊपर तक भर गया है, सांस नहीं मिल रही। और आज जेडी जेडी की जेब आज पूरी खाली होने वाली है। हैं जेडी आज आपकी जेब पूरी खाली होने वाली है, देखना सांस नहीं मिल रही बेचारे थैले को। जेब खाली नहीं होया करती मैडम। एक ही चेंज करना है लल्लो का, एक मिनट बस। ऐसी जरूरी थोड़ी है और कुछ लेने में रेंट पे करने की, और आज सेल लगने की वजह से हर जगह बहुत भीड़ है बिल काउंटर पे, तो हम वापस ऊपर भाग रहे हैं कि ऊपर जल्दी बिल हो जाए हमारा। चलो तो लेट हो गए हैं, एक बज गया, खाना भी बनाना है और मेरी नायशा भी भूखी होगी। बिल काउंटर पे कुछ नहीं कहना चाहोगे, सदमे में हूँ अभी मैं। फिर अपनी जेब खाली करेंगे हम। गाइस जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कितना खुश हूँ मैं। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कितना खुश हूँ मैं। ये देख लो बेचारा टेढ़ा हुआ पड़ा है पूरा। को भाई क्या कहना चाहते हो, लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, नायशा घर पे है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है, दो घंटे हो गया मैं घर से निकली हूं, भूख लग रही होगी उसको। मुझे खाना भी बनाना, आज बिना खाना बनाया खाना खाना भी है मुझे, और खाना खाना भी है। ओहो इतना काम। देखो इस स्माइल के पीछे सिर्फ स्माइल ही है और बाकी मेरे भाई बंधु समझ जाएंगे कि क्या है। मतलब हद हो गई, हद क्या है, ठीक है खुश हूँ मैं। तो किसने कहा खुश नहीं हुआ, बहुत खुश हूँ मैं। और अभी तो अभी बोल रही है कि खाना बनाने, इसलिए जल्दी जा रही हूँ फिर आऊंगी देख लो। भाई मैं नहीं आऊंगा पहले बता रहा हूँ, अब मुझे टाइम नहीं है कि अब मैं अपनी लल्लो के साथ अकेली आऊंगी, ठीक है।
मैं कह रहा था क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा मुझे भाई, तूने पिछले हफ्ते भी कपड़े लिए हैं तो उसमें सिर्फ मैंने लिए हैं। अरे यार इस हफ्ते भी ले लिए तो मैंने लिए हैं। तो अब मैं कह रहा था कि अगर जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है शॉपिंग करने की। कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अभी तो मैं 15 के बाद भी आऊंगी। ऐसे मत करो भाई। यही गड्ढा था ना वो जिसमें आप मुझे गिराना चाह रहे थे, लेकिन आपकी इससे गहरा था, हालांकि कामयाब नहीं हो पाई। घर की ओर बहुत जल्दी जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने घर में। पहुंचने वाले हैं फाइनली। अब हम शॉपिंग करके आ चुके हैं और पहुंच गए हैं अपने घर। तो गाइस बताना आप लोग कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कैसा लगा हमारा व्लॉग, कमेंट करके बताना। क्या जो शॉपिंग में करवा रहा हूँ भाई, करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। ये क्या है? ये मिलना तो ये भाई नाराज होगी लेके क्यों नहीं गए। आ जा अच्छा जाओ जा, नाराज होगी। अरे नाराज हो गया था। ये मिल गए हम अपने पूरे 2 घंटे बाद अपनी गुड़िया रानी से। नशे नाराज हो गया आप भाई? ना लेके नहीं गई तो।